हेलो बच्चों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट डेसिमल्स। डेसिमल्स जो हैं फ्रैक्शंस की ही फॉर्म है। एक फ्रैक्शन को हम डेसिमल्स के रूप में हम लिख सकते हैं। फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेसिमल्स। फ्रैक्शन, जैसे आपने बेटा अभी टॉपिक खत्म किया है, फ्रैक्शन को आप कैसे लिखोगे? जैसे ये 4/10 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको आप डेसिमल में आप लिखोगे तो ये, पहले इसको वर्ड्स में लिखते हैं हम, तो ये 4/10 हैं। क्या है ये? 4/10, ठीक है। इसको आप डेसिमल में लिखोगे, अगर 10 है नीचे डिनोमिनेटर में, आपके पास 10 है, तो इसके लिए 0 के लिए 4 होगा और 1 के लिए आप लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल, ठीक है। लाइक 4/100, ये एक फ्रैक्शन है। इसको आप कैसे लिखोगे? इसके लिए 0, इसके लिए कुछ नहीं है तो आप 0 लगाएंगे और 1 के लिए आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। जितनी जितनी भी 0 है, उतने नंबर्स के बाद आप लेफ्ट में आकर के पॉइंट लगाएंगे और ये नंबर जो है आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन को, ठीक है। 2/5 एक फ्रैक्शन है। इसको आप कैसे निकालोगे डेसिमल में? आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करोगे सॉल्व, ठीक है। 2 आप अंदर रखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि ये नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। तो अब ये जा सकता है 20, ठीक है। तो इसको आपने डेसिमल में कैसे लिखा? 0.4 और 0.4 दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/1000, ठीक है। ये है 5, इसको कैसे लिखोगे? 1000th, ये 1000th प्लेस है, ठीक है। इसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 3 0 है बेटा, तो 5 1 2, 3 प्लेस हो गए हमारे पास। एक इसके लिए आपने, इस 0 के लिए आपने 0 लगाई, इस 0 के लिए 0, और 1 के लिए आप पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आपने डेसिमल में कैसे लिखा? 0.005, ठीक है। जैसे आप, हम जरा प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 19.4, ठीक है। इसमें प्लेस वैल्यू, आपने होल नंबर अभी तक पढ़े थे, फिर आप फ्रैक्शंस में आ गए, अब हम उन्हीं नंबर्स में और उनके पार्ट्स, ठीक है। ये होल नंबर हो गया आपका और ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया आपका, ठीक है। तो इनको अलग अलग कैसे करेंगे? 9, ये 4 जो है आपका, 4/10 प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है? 10th, ठीक है। 9 आपका 1s प्लेस, प्लेसेस आप सभी जानते हैं, ये 1s प्लेस पे है। और जो 1 है वो आपका 100th प्लेस पे है, सॉरी 10th प्लेस पे है। तो इसको आप अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे 19.4, ठीक है। आप इसको वर्ड्स में इस तरह से लिख सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3, आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये 0.3 जो है वो 10th प्लेस पे है, 10th, ठीक है। और 1s प्लेस पे 0 है। इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इन वर्ड्स इट इज कॉल्ड 0.3,
10.6, 10 होल नंबर है और 6 जो है वो फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। तो 6 जो है 10th प्लेस पे है, आप इसको 6/10 भी लिख सकते हैं, यहाँ आप 3/10 भी इसको लिख सकते हो, और 0 जो है ये 1s प्लेस पे है और 1 जो है आपका 10th प्लेस पे। तो ये तो थे हमारे डेसिमल नंबर्स को पॉइंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उनकी प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अब वर्ड्स में हमें गिवन है वर्ड्स इनटू डेसिमल, ये हम कैसे लिखेंगे। आपके पास है 7/10, इसका क्या मीनिंग है, इसको आप लिखोगे 7/10 और ये तो हो गया आपका फ्रैक्शन में, और डेसिमल में क्या होगा 0.7 या 0.7, 7 के लिए 0 और 1 के लिए आप लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। जितनी 0 होंगे उतने ही प्लेसेस के बाद लेफ्ट में आकर के आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 2 10s एंड 9 10s, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 10s हैं, ठीक है। नाइन अपॉन टेन और 2 10s है यानी कि 20, ठीक है। 2 10s यानी कि 20 हो गए, 9/10 और इसको कैसे लिखोगे, 20.9, ठीक है। ये हमने होल और इसके फ्रैक्शनल नंबर को सेपरेट कर लिया और उसके बाद आप इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, ठीक है। फाइव अपॉन टेन, इसको आप कैसे लिखेंगे डेसिमल में, 0.5। 3/7/10, इसको आप कैसे लिखेंगे, 3 point, जो 7/10 है वो हो जाएगा आपका 3+0.7, और ऐड कैसे करेंगे अब इनको, हम इसको हम ऐड करेंगे 3.0, 3 को हम लिख सकते हैं 3.0 और 0.7, पॉइंट के साथ नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। जो भी प्लेस खाली पड़ा है उसमें आप 0 भरेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 3.7। नेक्स्ट इज 200+60+5+1/10, ठीक है। इन सबको तो आप इजीली ऐड कर पाओगे, इट इज 265 और 1/10 क्या होता है, 0.1, ठीक है। 265 को आप लिखेंगे 0.0, ठीक है, और ये 0 और ये पॉइंट और ये 1, तो आपका जो वैल्यू आएगी 265.1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज 70+8/10, 70 इसको आप लिखेंगे 0.8, ऐड करेंगे तो 70.0 आप लिख सकते हैं और ये आएगा 0.8, तो आपका आंसर आएगा 70.8। नेक्स्ट इज 4:2/10, बेटा ये भी वही टाइप है, ये होल नंबर है आपका और ये फ्रैक्शनल नंबर है आपका, इसको आपको डेसिमल में लिखना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4+2/10 और 4 ये आपका होगा 0.2, तो इसको आप फिर से वैसे ही ऐड करेंगे 4.0, 0.2, ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 4.2, ठीक है। अब आपके पास है 3/2, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे,
बेटा आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करोगे, ठीक है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर उसको आप बाहर रखेंगे और न्यूमरेटर को आप अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ये वन पे जाएगा, अभी वन बचा, तो अब क्या करेंगे आप डेसिमल लगा के ज़ीरो लगाएंगे, तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा और ये ज़ीरो आप नीचे उतारेंगे, 2 5 10, ठीक है। तो आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर निकाला 1.5, ठीक है। नेक्स्ट इज 12/5, इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। इसको बेटा दो तरीके हैं, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। 5 2 10, 2 बचे, आपने लगाया पॉइंट, आप ज़ीरो उतारोगे, 5 4 20, ठीक है, आंसर आया आपका 2.4। और इसी को आप एक और मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। बेटा आपने अभी जितने भी क्वेश्चन करे उनमें देखा आपने कि फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है आपका उसमें 10 था, 10 या 100 या 1000 इस तरह की वैल्यूज थी, तो मैं नीचे वाले नंबर को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 24 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, और अब पॉइंट लगाएंगे हम, इसके लिए 0 और 1 के लिए पॉइंट होता है, तो इट इज़ 2.4। हमारे दोनों आंसर सेम है, आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।